4 अक्टूबर 1957 को रूस ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया था। अमेरिका से ठीक 85 दिन पहले 12 अप्रैल 1961 को रूस के नागरिक यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पृथ्वी के पहले व्यक्ति बने थे। ये दोनों ही घटनाएं बताती हैं कि कैसे रूस अमेरिका से बहुत पहले से अंतरिक्ष में अपनी बादशाहत को कायम करने की कोशिश कर रहा था। पुतिन के भी 20 साल के शासनकाल के दौरान स्पेस वॉर के क्षेत्र में रूस ने बहुत तरक्की की है। हद यह है कि पेंटागन भी पुतिन की स्पेस वॉर की ताकत का लोहा मानता है। तो क्या आने वाले कुछ सालों में अमेरिका को पछाड़कर रूस अंतरिक्ष का अजय योद्धा बन जाएगा? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए नकाब, डार्क हॉर्स ऑफ स्पेस वॉर। जुलाई 2020 की शाम ब्रिटेन की स्पेस डायरेक्टरेट के हेड एयर वाइस मार्शल हार्वी स्मिथ ने पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को चौंका देने वाला स्टेटमेंट जारी किया। स्मिथ ने रूस पर सैटेलाइट के जरिए मिसाइल हमला करने का आरोप लगाया। ब्रिटेन के इस आरोप का अमेरिका की स्पेस कमांड ने भी समर्थन किया। ब्रिटेन और अमेरिका के मुताबिक अंतरिक्ष में रूस का मिसाइल कांड 15 जुलाई को अंजाम दिया गया, जब रूसी सैटेलाइट कॉस्मॉस 2543 ने अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे दूसरे सैटेलाइट कॉस्मॉस 2542 पर मिसाइल दाग दी। ये स्पेस वॉर की दुनिया में रूस की धमाके के साथ एंट्री थी। कॉस्मॉस 2543 के परीक्षण से यह साबित हो चुका था कि पुतिन के पास एंटी सैटेलाइट वेपन आ चुका है। अमेरिका की मिलिट्री सैटेलाइट यूएसए 245 पर भी पुतिन ने कॉस्मॉस 2542 के जरिए ही पूरी नजर रखी थी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में अमेरिका और रूस के सैटेलाइट्स एक दूसरे के करीब आ गए थे। दो महाशक्तियां स्पेस वॉर के मुहाने पर खड़ी हो गई थीं। कई दिन तक अंतरिक्ष में यूएसए 245 के पास कॉस्मॉस 2542 ने अपनी दिशा बदल ली। जून में पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में यह माना कि अमेरिका को अंतरिक्ष में रूस से बड़ा खतरा है, और पेंटागन का यह डर यूं ही नहीं था। सितंबर 2018 में फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने दावा किया कि साल 2017 में रूस ने अपने जासूसी सैटेलाइट ओलिंप के से फ्रांस के सैटेलाइट के सिग्नल तोड़ने की कई बार कोशिश की थी। 2015 में रूस के इसी सैटेलाइट ने अमेरिका के उस सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके जरिए अमेरिका की सेना अपने ड्रोन मिशन को अंजाम देती है। अगर अभी भी आपने रूस के स्पेस पावर को नहीं समझा है तो आपको प्रोजेक्ट 9M730 के बारे में जरूर जानना चाहिए। सितंबर के महीने में मॉस्को से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई, और वो ये कि रूस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक ऐसी एटॉमिक मिसाइल बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं जो कई सालों तक अंतरिक्ष में घूम सकती है, और जैसे ही हमले का ऑर्डर मिलेगा वो मिसाइल पृथ्वी के किसी भी कोने को पल भर में राख कर देगी। पुतिन की इस महाविध्वंसक मिसाइल का नाम है 9M730 प्योर वेस्टनिक। इस मिसाइल को अमेरिका स्काई फॉल कहता है। ये अभी तक एक एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है, जिसे पेट्रेल भी कहते हैं। इसका रेंज जो है ये अनलिमिटेड है, लेकिन इसका अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, टेस्टिंग नहीं हुआ है। रूस का फोकस अगर अंतरिक्ष में मिसाइल हमला करने पर है तो पुतिन के पास अंतरिक्ष से आने वाले हमले को रोकने का भी प्लान है। रूस के पास दुनिया का सबसे सॉलिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 आ चुका है। S-500 वो ताकत है जो अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी हमले को पलक झपकते नाकाम कर देगा। अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए नासा खुद रूस के सोयूज रॉकेट पर निर्भर है, लेकिन जब से अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स का उभार हुआ है तब से रूस के वर्चस्व को चुनौती मिली है।
अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।